आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने यौगिक आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। आज हम इन पर आधारित उदाहरण देखेंगे। ये है मोहिनी। वह वर्ग तथा त्रिभुजों की मदद से कुछ इस आकार की रंगोली बनाना चाहती है। यदि वर्ग की भुजा 25 सेंटीमीटर तथा सभी त्रिभुजों का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो क्या आप बता सकते हैं कि उसे रंगोली बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी? जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह रंगोली एक वर्ग और 4 त्रिभुजों के संयोजन से बनी है, इसलिए रंगोली का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल और चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होगा। तो आइए वर्ग का क्षेत्रफल पता करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग यानी कि भुजा गुणा भुजा होता है। यहां वर्ग की भुजा 25 सेंटीमीटर माप की है, अतः वर्ग का क्षेत्रफल 625 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब सवाल यह है कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें? चूंकि यह चारों त्रिकोण सर्वांगसम है यानी कि कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के 4 गुने के बराबर होगा। क्या आप बता सकते हैं कि त्रिकोण का क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र होता है? आधार और ऊंचाई का मान क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर प्रतिस्थापित करते हुए, अतः एक त्रिकोण का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर वर्ग है। अब क्या आप सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का मान बता सकते हैं? शाबाश, सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का मान 192 वर्ग सेंटीमीटर है। आइए अब रंगोली का क्षेत्रफल पता करें। वर्ग और त्रिकोणों का क्षेत्रफल प्रतिस्थापित करते हुए रंगोली का क्षेत्रफल 817 वर्ग सेंटीमीटर है। इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह हम अपने दैनिक जीवन में भी यौगिक आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।